रीवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए नगरीय निकायों में स्थैतिक निगरानी दल का गठन किया। कलेक्टर ने बताया कि नगर पालिक परिषद रीवा के लिए नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, नगर परिषद बैकुंठपुर में तहसीलदार जितेंद्र तिवारी, नगर परिषद सिमरिया में ASLR विनय मूर्ति शर्मा, सिरमौर में नायब तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी, डभौरा में तहसीलदार चंद्रमणि सोनी, मनगवा में नायब तहसीलदार निष्ठा चौधरी, नईगढ़ी में नायब तहसीलदार प्रवीण पाटीदार, मऊगंज में नायब तहसीलदार वंश राखन सिंह, हनुमना में नायब तहसीलदार सुजीत नागेश, त्योथर में ASLR रवि श्रीवास्तव, चाक घाट में नायब तहसीलदार राकेश शुक्ला, गुड़ के लिए नायब तहसीलदार शिव भूषण सिंह, गोविंदगढ़ में तहसीलदार रामेश्वर त्रिपाठी को स्थैतिक निगरानी दल में शामिल किया गया है।